अब सही है। नमस्कार, सीमा इंडियन रसोईयन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है संडे, तो हम सभी लोग नहा लिए हैं। आज पहली बार हम हर्षित जल्दी नहाया है, ये देखिए। ला इसको भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। अब भी हम गुजारिश करते हैं प्रधानमंत्री से। और आज दोनों न्यू न्यू भी पहने हैं, ऊपर नहीं नीचे। लुंगी डांस, लुंगी डांस। आज संडे है तो हेयर वॉश किए हैं, मतलब बाल धोए हैं, ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ना है। कोई देखने आ रहा है और किए चाहे नहीं किए। यहाँ पे बाल पक गया है तो बूढ़े हो गए हैं, अब बूढ़े होने लगे हैं। तो बस नाश्ता वगैरह नहीं किए हैं और पूजा पाठ हो गया है, तो सिर्फ पतिदेव नाश्ता किए हैं, हम लोगों का अभी नाश्ता नहीं हुआ है। तो जा रहे हैं, सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद खाना बनाएंगे। और आज खाना में क्या बनेगा? खाना में उपवास। उपवास। यस, आज खाना में बनेगा कच्चू का सब्जी, और कच्चू के नाम से बहुत लोग नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, अरबी की सब्जी और चावल। अरबी अरबी का नाम मत लीजिए, अहिर अरबी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी से नफरत करते हैं, पर आजकल जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है आजकल का न्यूज़ देख करके। तो इस सब चीज में तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन न्यूज़ देखने से बुरा लगता है कि ऐसा ऐसा आजकल हो रहा है, हमारा देश जल रहा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। पप्पू का बोल के आया था ना वहां, देश जलेगा। ऐसे मत बोलो, मेरा वीडियो पे कुछ हो सकता है। तो तो वही बहुत बहुत बुरा लगता है। और हम तो दिन भर न्यूज़ देखते रहते हैं, दिन भर न्यूज़ देखते हैं, और ऐसा लगता है ना, अब रो देंगे, अब रो देंगे, अब रो देंगे, ऐसा लग रहा है। पर ऐसा लोग क्यों करता है बताइए? घर में किसी का घर है यदि, और घर में यदि आग लग जाता है तो फिर कितना का नुकसान होता है, सरकार हो या हम लोग, घर मतलब जिसका घर हो या सरकार हो, कोई भी थोड़ा 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 जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के लोग आगे बढ़ता है। तो एक होता है कि हाँ मेरा घर बहुत अच्छा है, तो उसी तरीका से हमारा देश बहुत अच्छा है, ऐसा होता है। तो प्लीज कोई ऐसा नहीं कीजिए, बहुत बुरा लग रहा है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में होता ही रहता है, हर किसी के साथ होता है, घर में भी होता है और देश में भी देश होता में है, भी होता इकोनॉमी है, सबके ऑफ साथ कोर्स ही होता चलता है। है। तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, बहुत बुरा लग रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पे तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इसी तरह से आप लोगों से बातें करते करते ये टॉपिक आ गया था तो हम बोल दिए थे। पता नहीं यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा, क्या होगा वो भी नहीं मालूम। ऐसा तो हम ज्यादा कुछ बोले नहीं है क्या? हाँ, तो बस। और जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, और यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है ये देखिए, लो खिलाओ प्रसाद। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। झूठा ही सही, ये देखिए आप लोगों को आम नहीं खिलाया कहाँ तो है हम गया? खिलाएंगे। जाइए और आप खरीद के खाइए, क्योंकि यहाँ से पार्सल करना बहुत महंगा आजकल हो गया है। और ट्रेन भी जल रहा है, पार्सल कैसे हाँ, जाएगा, वो कैसे सब लोग जाएगा? ट्रेन जला दिया है। ऐसे क्यों करते हैं? उस पे ट्रेन पे बैठ के हम लोगों को भी जाना होता है, आप लोग भी जाते हैं। 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उतना पे जलने पे सरकार अपना घर से देगी क्या? आप ही का टैक्स से वसूला जाएगा। बहुत बुरा। तब तो फिर लोग कहेगा महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। ऐसा नहीं कि हम किसी, क्या बोलते हैं किसी को वो, टारगेट कर रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं कॉमन है सेंस की या बात है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं या किसी के पक्ष से बोल रहे हैं। हम लोग राजनीतिक में नहीं पढ़ते हैं, ये सब चीज नहीं है, लेकिन हाँ देश का सवाल है कि नहीं? तो लीजिए आम खा लीजिए, सबसे पहले छोड़िए, जो बात हो गया सो हो गया, आम खा लीजिए। आज भगवान जी का यही भोग लगा हुआ था तो आम समझिए, प्रसाद समझिए, प्रसाद ही समझिएगा, आम मत समझिएगा। और आज फादर्स डे है तो हम तो कभी फादर्स डे मनाए ही नहीं है, पर आज बोल देते हैं हैप्पी फादर्स नाना जी के इतना साल बाद बोल रही है। डे। हाँ, क्योंकि ये सब पहले कहाँ चलता था, बहुत लोग जानते भी होंगे कि ये सब पहले नहीं चलता था, ये सब आजकल का चोचलाबाजी है।
देखिए होता क्या है ना कि पहले भाई बहुत 5 मिनट हो गया बोलते बोलते, छोड़ना कहाँ एडिट कीजिएगा। होता क्या था ना कि पहले बहुत लोग मतलब एक एक घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, तो कभी उसका शादी कभी उसका शादी, और ज्वाइंट फैमिली होता था तो कभी उसका शादी कभी उसका शादी, ऐसे कर करके ना फेस्टिवल की तरह फेस्टिवल होता था, और फिर वो शादी ब्याह होता था तो एंजॉय करने का मौका मिलता था। अब वो सब तो है ही नहीं, तो बस आज ये डे आज वो डे आज वो डे आज वो डे आज वो डे यही होते रहता है। तो चलिए 5 मिनट का ये वीडियो हो गया है सिर्फ बात करने में, तो चलिए जा रहे हैं नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता में बनाया है सत्तू का पराठा। 6 मिनट सच में 6 मिनट। हाँ सही बात बोला। ये देखिए सत्तू का पराठा, ये अमित के लिए बना है, इसमें ज्यादा सत्तू है और ये हम लोग खाएंगे। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से किचन में आ गए हैं और यहाँ पे बना रहे हैं अरबी की सब्जी। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके बाद डाल दिए हैं सरसों का तेल, और तेल गर्म हो गया था तो इसमें डाल दिए जीरा और इसे चटकने देंगे। और इसके बाद इसमें हम अरबी डाल देंगे, और अरबी में थोड़ा थोड़ा भी पानी था क्योंकि पानी से निकाले हुए थे, तो ये देखिए काफ़ी तेल उड़ रहा था, तो बस इसमें हम डाल दिए और इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। और ये देखिए करीब 10 मिनट भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो इसमें हम डाल दिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और बस इन सभी को भी अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और गोलकी पाउडर, और इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले जलने लगते हैं इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए हैं, और बस इन सभी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाए, जले भी नहीं, और जो अरवी है वो अच्छे से पक जाए। तो बस इसे हम भून लेते हैं, और आप लोगों को बहुत फटाफट दिख रहा होगा क्योंकि वीडियो को हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि कच्चू अभी पका है या नहीं, यानी अरबी पका है या नहीं, तो अरबी थोड़ा पक गया था। बस इसको हमें जितना ग्रेवी रखनी है उतना इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोगों को खाना है चावल के साथ, तो बस पानी ऐड करके और इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो सब्जी में पानी डाल दिए हैं और चावल मेरा रेडी हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ सूखा रख दिए हैं, अमित को पसंद है इसलिए। और यहाँ पे चावल मेरा रेडी है, गरम है, गरम गरम, दूध भी अभी गरम है, जब दूध ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज में रखेंगे। और बादल गरज रहा है, शायद बारिश होगा, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सुबह से धूप था पर अभी काफ़ी अच्छा हो गया। ये देखिए फेस पे कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रहा है। मौसम सुहाना हो गई थी, हाँ पता है। ये देखिए मौसम ठंडा उड़ रहा, जब ऐसा हवा चलता है तो लगता है कि यहीं पे रहें, है ना। और हमारे बगान का व्यू देख लीजिए, काफ़ी हरियाली हरियाली। और ये देखिए ये सारे में आर्टिफिशियल फूल लगा दिए हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा। ये सारा में आर्टिफिशियल फूल, कुछ कुछ इसमें असली फूल भी आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए। और बाकी सब आर्टिफिशियल। तो जब तक सब्जी बन रहा है तब तक हवा ले लेते हैं नेचुरल, पंखा में तो दिन रात हवा खा ही रहे हैं गरम गरम एकदम, तो थोड़ा सा भी नेचुरल हवा ले लेते हैं। चलिए जब सब्जी बन जाएगा तो फिर सबको खाना खिलाना होगा। और यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया था, तो एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी पक गया है और थोड़ा ग्रेवी कम हो गया है, तो इसमें हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि
से हम लोगों को चावल के साथ खाना है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए हैं और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर नहीं था। वैसे टमाटर से सब्जी ये ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर नहीं था तो इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसे हम खोलने देंगे और इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। बारिश शुरू हो गया, लाइन कट गया, ये देखिए बहुत बहुत जोर जोर से बहुत तेज बारिश हो रहा है, बहुत 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 तेज हो रहा है। और बादल भी बहुत गरज रहा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है पर बादल बहुत गरज रहा था। और क्या आप लोगों को ज्यादा बारिश थोड़ी दिखाएंगे, मेरा मोबाइल जो है पानी में सुसाइड कर लेगा। बारिश में वही तो नहीं करेगा, मोबाइल बोलेगा हम भी बारिश में नहाएंगे। चलिए कितना बज गया है, हाँ 2:30 बजा है और अभी कोई खाना वाना नहीं खाया है। बारिश का एंजॉय लेते हैं और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और बस यहाँ पे हम लोगों को भूख लग गया था क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 3:30-4:30 हो गया था। तो यहाँ पे हम खाना निकाल रहे हैं और इसके बाद हम सभी खाना खा लेंगे। वैसे हस्बैंड खाना खा करके ड्यूटी चले गए हैं, तो खाना वाना हम लोग का हो गया है, पर अभी किचन में बर्तन बाकी है तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचे काम भी कर लेते हैं। तो ये एक साड़ी का रेडीमेड ब्लाउज है, उसमें एक रेडीमेड भी है और एक कपड़ा भी है, तो इसको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो सोच रहे हैं कि इसको बनाते हैं, पर ये मेरे बॉडी में नहीं आएगा। ये देखिए यहीं तक आ रहा है, तो इसको अपने लायक बनाएंगे। और इस तरह का ब्लाउज है ये, तो इसको अभी खोल ले रहे हैं और खोल के रखेंगे तो जब मन करेगा तो बना देंगे, आज भी बना सकते हैं मूड किया तो, या फिर कल बनाएंगे। तो बस इसको खोल लेते हैं। तो बस यहाँ पे ब्लाउज खोलने के लिए अपना औजार लेकर के बैठ गए और फटाफट से खोल लेते हैं। और जैसा कि पता ही है कि सिलने में काफ़ी टाइम लगता है पर खोलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट खुल जाता है और इसका चार ही पट रहता है, आगे पीछे और दो बाजू। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, यदि जरा से भी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।